हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। व्रत में कुछ झटपट बनाने का मन हो तो इस कच्चे आलू की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम लेंगे 1/4 कप समा के चावल। समा के चावल को हम मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। चावल की जगह पर आप इसमें 1/4 कप साबूदाना भी ले सकते हैं। चावल को पीसने के बाद अब हम इसे बाउल में निकालेंगे और सेम जार में अब हम डालेंगे 1/4 कप मूँगफली के दाने, इसे भी हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी बाउल में निकालेंगे। अब हम जार में डालेंगे एक कच्चा आलू जिसे हमने छीलकर अच्छे से धोकर लिया है, साथ में 2 छोटी हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, थोड़ा सा हरा धनिया, इसे भी अब हम पीस लेंगे। पीसने के बाद इसे भी सेम बाउल में निकालेंगे। सभी को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब हमने मिक्सी के जार में थोड़ा सा आलू का पेस्ट बचा हुआ था, इसी में 2 चम्मच पानी को डालकर हिला कर लिया है, इसे भी इसी में डालेंगे और इसे एक बार और मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे, 1 से 2 चम्मच पानी और डालेंगे और अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम तुरंत इसका नाश्ता बनाएंगे। गैस ऑन करके पैन में थोड़ा सा तेल लगाएंगे। अब हम पैन में 1/2 कप जितना बैटर डालेंगे और इसे मोटाई में रखते हुए फैला देंगे। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। 3 से 4 मिनट बाद अब हम ऊपर से थोड़ा सा तेल डालेंगे और अब हम इसे पलट देंगे और फिर से इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक सिकने देंगे। दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बाकी के नाश्ते को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान और चटपटा व्रत में खाने वाला ये नाश्ता आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।